बढ़ेंगे आगे। हिमाचल की कांग्रेस सरकार 6 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। अब इन 180 दिनों में सुक्खू सरकार ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिनका जनता को काफी ज्यादा सालों से इंतजार था, जिसका बखान कांग्रेस नेता करने से नहीं थक रहे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया, जिस पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 6 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है, यानी कि व्यवस्था परिवर्तन के 6 महीने, और उसमें 6 महीने के इस कार्यकाल में प्रदेश की जनता को क्या तोहफे मिले, किस प्रकार की जनता की आज स्थिति है, इस पर मैं सिर्फ 2-3 बातों को लेकर के अपनी बात कह करके पूरी करूंगा। हिमाचल प्रदेश में 1000 से ज्यादा संस्थान बंद किए गए, जो पूर्व सरकार ने प्रदेश की जनता की मांग पर, चुने हुए प्रतिनिधियों की मांग पर जनहित में खोले थे। ये एक बहुत बड़ी देन व्यवस्था परिवर्तन के नाम से सुक्खू सरकार जी की रही। ये जयराम जी जो है वो बहुत जल्दी में है, और इस तरीके की बयानबाजी उनको करना मुझे लगता है उनको शोभा नहीं देता है। सरकार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बनी है, जनहित के कार्य मुख्यमंत्री जी और संपूर्ण सरकार पूरी मजबूती से कर रही है। सड़कों का निर्माण, मेटलिंग, टायरिंग पूरी मजबूती से हमारे डिपार्टमेंट द्वारा हो रहा है, और वैसे ही सब मंत्री अपने अपने मंत्रालय में बढ़िया काम कर रहे हैं। उसका परिणाम अभी जो शिमला के नगर निगम के चुनाव हुए, जहाँ पर पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग बसते हैं, उसमें आपने देख ही लिया कि पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली है। तो इस तरीके की बयानबाजी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं करनी चाहिए, और उन्हें जो दायित्व विपक्ष का दिया गया है उसको निभाना चाहिए और मिलकर हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में अपना योगदान देना चाहिए।